कार दोस्तों स्वागत है अपना YouTube चैनल में दोस्तों आज की वीडियो में बात कर रहे हैं प्रायोगिक परीक्षा देख सकते हैं स्नातक द्वितीय खंड का प्रतिष्ठा का विषय इधर भी जनरल का दिया हुआ है अनुसंगनिक और सामान्य का ये पंद्रह तारीख से शुरू हो रहा है पंद्रह एक दो हज़ार तेईस से अठारह एक दो हज़ार तेईस तक उसके बाद उन्नीस एक दो हज़ार तेईस से पच्चीस एक दो हज़ार तेईस तक तो दोस्तों आपको बताएंगे इस वीडियो में प्रोजेंट कर देंगे किस पार्ट का एग्ज़ाम है किस सेशन का एग्जाम है तो वीडियो को शुरू सेन जरूर देखें चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर रखें दोस्तों बता दें कि ये पार्ट टू का है ये देख सकते हैं यहाँ पर ये पार्ट टू का दिया हुआ है बीस से तेईस से शनवाले का इसका देख सकते हैं डेट ये जो उनतीस तारीख को ही रिलीज किया गया था ये उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर साइन भी दिया हुआ है तो ये लोग बहुत से कॉलेज भूल गए होंगे ठंडी के कारण बहुत से स्टूडेंट हैं जो बिसर भी, भी गए क्योंकि उनका एग्जाम भी है तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर दिया हुआ है इतर द्वारा सभी समय व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि स्नातकृतीय खंड सत्र बीस से परीक्षा 2022 हज़ार बाईस प्रतिष्ठा अनुसंधिक सामान्य विषय की प्रायोगिक मौखिक की, की परीक्षा अपने अपने महाविद्यालय गृह केंद्र में निम्नलिखित कार्यक्रम के अनुसार संचालित होगी तो ये गृह केंद्र ही रखा गया है जो आपका कॉलेज है उसमें आपका एग्जाम लिया जाएगा तो पहला नंबर देख सकते हैं स्नातक द्वितीय खंड प्रतिष्ठा का है तो पंद्रह एक दो से अठारह एक तेईस तक चलेगा ये स्नातक द्वितीय खंड अनुसंधिक सामान्य का है उन्नीस एक दो से पच्चीस एक दो तक दिया हुआ है तो ये आपका गृह जो आपका गृह विभाग होगा मतलब तो आपके कॉलेज है वहाँ से निकाला जाएगा कि कौन सा ऑनर्स का किस बार लिया गया है और इसमें दिया हुआ है नीचे में पढ़ेंगे इसमें दिया हुआ है कि बीस से कम छात्र होंगे मतलब एक ऑनर्स में बीस से कम छात्र होंगे तो इस प्रकार से संचालित किया गया है तो इस प्रकार से देख लेंगे और दोस्तों आपसे एक निवेदन रहेगा कि देख सकते हैं जिस प्रकार से एबसेंट किया जा रहा है बहुत तो स्टूडेंट का ललित राम मिथिला यूनिवर्सिटी द्वारा तो आप लोग एग्जाम देने जाएँ वहाँ तो प्रैक्टिकल एग्जाम में आप है जो वहाँ जरूर है साइन करवा लें कॉपी नंबर लिख लें और साइन जरूर करवा लें एडमिट कार्ड पर जिस प्रकार से थ्योरी एग्जाम में साइन करवाए थे उस प्रकार प्रैक्टिकल एग्जाम में भी साइन करवा लें क्योंकि देख सकते हैं एग्जाम देने के बाद भी स्टूडेंट का अपसेंट कर दिया जा रहा है तो आप लोग ठीक ठाक से भरे उसको वहाँ जाके और अच्छी तरह से कॉपी को भरें कुछ गलती ना करें और वहाँ से कॉपी नंबर और टीचर से सिग्नेचर जरूर करवा लें जी हाँ दोस्तों टीचर से सिग्नेचर जरूर करवा लें चलिए दोस्तों यह जानकारी इस रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन आता है जै जैसे कि आपको चाहिए कि रूटीन आपका कॉलेज का किस प्रकार से बनाया गया कौन सा ऑनर्स का किस दिन है तो हम आप आपको बताएंगे तो इसी चैनल के माध्यम मतलब से आपको बताएंगे आपका कॉलेज का कौन सा ऑनर्स का किस दिन एग्जाम लिया जाएगा और दोस्तों हो सकता है कि लास्ट डेट में भी आपका एग्ज़ाम ले लिया जाएगा पच्चीस तक आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा तो आप लोग अगर छूट जाता है किसी कारणवश तो पच्चीस तक आप जाकर कॉलेज विजिट करते रहे आपका एग्ज़ाम ले लिया जाएगा लेकिन छोड़े नहीं एग्जाम और जितना भी अगर आता है मेरे पास जितना भी आएगा उतना जैसे कि प्रैक्टिकल का रूटीन कैसे कैसे किस कॉलेज का है तो हम आपको इस चैनल के माध्यम से देते रहेंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर की मिलते हैं नए वीडियो में सबसे कीमती वक्त निकल के मेरे देखने के धन्यवाद